नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संगम नगरी में 31st के धमाल की तैयारी पूरी। जी हां, प्रयागराज के होटल रेस्टोरेंट के अलावा क्लबों से लेकर सर्द मौसम में खुले पार्कों तक समूहों में नृत्य संगीत के साथ मस्ती होगी। संगम से लेकर सिविल लाइन्स के चौराहे तक नए साल के स्वागत में लोग पलक पावड़े बिछाए निकलेंगे। आज की रात ठीक 12 बजे नए साल 2019 के स्वागत में लोग झूमेंगे, नाचेंगे। इस मौके पर मस्ती और मनपसंद व्यंजनों के स्वाद के लिए होटलों में बुकिंग फुल हो गई है। नव वर्ष पर होने वाले आयोजनों को लेकर जहां प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, वहीं शहर के चुनिंदा होटलों में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। हालांकि इस बार अनुमति के फेर में कई बड़े होटलों की ओर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के निमित्त बहुत खास नहीं किया गया है। कहीं डीजे की धुन पर युवक युक्तियां झूमेंगे तो कहीं ग्रुप डांस में जमकर धमाल होगा। भांगड़ा के अलावा ब्रेक डांस के अलावा गीतों गजलों एवं 31st नाइट को संगीतमय बनाया जाएगा। प्रयागराज पुलिस ने आज सभी रेस्टोरेंट को चेक किया और हिदायत दी है कि ज्यादा आवाज में गाना ना बजाए और सभी पुलिस को आदेश दिया है कि पुलिस पूरी रात गश्त करेगी। प्रयागराज से हमारे संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज 31 दिसंबर है, चूँकि ये न्यू ईयर ईव के मौके पे काफ़ी सड़कों पे लोग बाग आते हैं, तमाम फैमिली भी आती है, लेकिन इसमें तमाम बाइकर्स आते हैं और शाम को ड्रिंक करके ड्राइविंग भी होती है। इसके मद्देनज़र हम लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कर रखी है और हमारा ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ चले ताकि किसी को कहीं जाम में ना फंसना पड़े, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस और हमारी सिविल पुलिस ये मिल करके पूरी व्यवस्था को संभाले पड़ा हुआ है। क्योंकि प्रयागराज में सिविल लाइन्स ही हार्ट ऑफ द सिटी है और पूरे शहर के लोग यहाँ पहुँचते हैं, इसलिए यहाँ विशेष व्यवस्था रखी गई है। ई रिक्शा और ऑटो इनको प्रतिबंधित किया गया है इस क्षेत्र में, और अभी अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग देखेंगे कि अगर फोर व्हीलर्स को हम लोग ये इंश्योर करा रहे हैं कि अपनी पार्किंग में ही खड़े हों। जितने भी यहाँ होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, उन पे प्रॉपर हम लोगों की निगाह है, चेकिंग हो रही है कि कहीं किसी प्रकार का कोई हुड़दंग ना होने पाए और किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। बाकी सारे ऑफिसर्स राउंड पे हैं, किसी प्रकार की फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। भाई सब 8 बजे बनने का आदेश, बंद होने का आदेश, अभी वो DM साहब के यहाँ से जो आदेश हुआ है उसका अनुपालन हम लोग कराएंगे। 220 पुण्यतिथि में सम्मानित किए सभी दल के नेता व कार्यकर्ता। जी हां, तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के बस स्टेशन चौराहे पर धूमधाम के साथ मनाई गई स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी की पुण्यतिथि। स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी 70 के दशक में कई बार विधायक, मंत्री एवं सांसद रह चुके हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी माने जाते हैं। स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी मुख्य रूप से किसानों की आवाज उठाने वाले पूर्वांचल के इकलौते सांसद एवं विधायक हुआ करते थे। लोगों का मानना है कि स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी ने पूरे बलिया में किसानों के लिए सिंचाई का ध्यान रखते हुए नहरों का जाल बिछवाया है। स्वर्गीय चौधरी मुख्य रूप से कांग्रेसी विचारधारा के थे। स्वर्गीय चौधरी की 20वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सभी दल के नेता ने एक मंच पर बैठकर स्वर्गीय चौधरी के विचारों को व्यक्त किया और उनको अपना आदर्श बताया। वहीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्वर्गीय चौधरी के सुपुत्र एवं पूर्व विधायक दीनानाथ चौधरी द्वारा सैकड़ों गरीब मजदूरों को कंबल वितरण किया गया। बलिया से हमारे संवाददाता धनंजय प्रसाद से बात करते पूर्व विधायक दीनानाथ चौधरी और किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव नवनीत चौधरी, जनार्दन यादव ग्राम प्रधान। आप अपना परिचय बताइए। नवनीत चौधरी, स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी जो मेरे दादाजी हैं, उनका मैं बहुत और मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में किसान कांग्रेस में प्रदेश सचिव हूँ। आज जैसे उनकी स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी की 20वीं पुण्यतिथि मनाई जाती जा रही है, तो ये 20वीं पुण्यतिथि मनाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, चौधरी जी ने जो कार्य किया, सर्व समाज के लिए काम किया और ये सर्वदलीय श्रद्धांजलि से बरखा गया है, जिसमें क्षेत्र के और पूरे जनपद के लोगों को इनवाइट किया गया है। इसमें चौधरी जी के लोग विचारों को सुने और चौधरी जी ने क्या संघर्ष किया, समाज के लिए क्या किया चौधरी जी ने, उसको सुने और उसे सीख ले। जैसे आप कांग्रेस प्रदेश सचिव है किसान महासभा के, तो हर पार्टियां जब चुनाव आता है तो किसान की तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सत्ता पाने के बाद किसान की जो मुद्दाएं होती हैं वो भूल जाते हैं। क्योंकि आप नौजवान हैं, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, किसानों के लिए हम लोगों ने लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस समय जो वर्तमान सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, जिसमें
में से इस साल गन्ने के मूल्य में पिछले साल के गन्ने के मूल्य में एक रुपए की वृद्धि नहीं हुई। ये तो किसान विरोधी सरकार है। हम लोग इसके खिलाफ आंदोलन किए, लखनऊ में किए। हम लोग जहाँ इस किसानों की बात को उठाते हैं ऊपर आकर के तानाशाही सरकार हम लोग के ऊपर शांतिपूर्वक हम लोग आंदोलन करते हैं, उसके बाद भी हम लोग ऊपर लाठीचार्ज करती है। ये किसान विरोधी सरकार है। किसानों के हित की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बजराजे चौधरी जी ने भी किसानों के लिए काम किया है। इस प्रदेश में किसानों के लिए इन्होंने पूरे जनपद में नहर के जाल बिछा दी, जिससे किसान आज अपनी अच्छी पैदावार करता है। और चौधरी जी को लोगों ने अन्नदाता के रूप में एक उपाधि दे दी। चौधरी जी ने भी किसानों के लिए किया, दादाजी ने भी किया, और हम लोग भी किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। जब तक किसानों के न्याय नहीं मिलता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्योंकि राजनीति की सीढ़ी आप चढ़ना शुरू किए हैं, तो इसमें आप आइडियल किसको मानते हैं? मैं आइडियल अपने दादाश्वर के जगन्नाथ चौधरी जी को मानता हूँ, और मैं इनको गुरु अपना भी माना हूँ। उनके विचारधाराओं से मैं इनके विचारधाराओं को लेकर के चल रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चौधरी जी ने पूरा नहीं किया है, उसको मेरा पूरा करने का उद्देश्य है। जो किसानों के लिए उन्होंने कार्य किया है, जैसे उन्होंने नहर बनवाया इस जनपद के लिए, प्रदेश के लिए, आज उस नहरों की दशा ये है कि उसमें पानी की व्यवस्था नहीं, उसकी सफाई नहीं करा पा रहे हैं। चौधरी जी ने बलिया में एक ओवरब्रिज दिया, उस ओवरब्रिज की रिपेयरिंग नहीं करा पाते हैं लोग। चौधरी जी ने बलिया टीवी रिले के अंदर दिया, सिंह चावर दिया। चौधरी जी ने अनेकों किसानों के लिए कार्य किया है, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन करते हैं। उसको बहुत सारे ऐसी चीज़ें उसको पूरा करना चाहते हैं। हम लोग किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए, सब हित सर्व समाज की बात करना चाहते हैं और कर रहे हैं। आप अपना परिचय बताएंगे? जनार्दन सिंह यादव प्रधान, आपको कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी सर। जैसे अभी जिनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, 20वीं पुण्यतिथि है स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी की, तो उनकी कमी आज क्षेत्र में कहाँ दिखाई देती है आपको? उनकी कमी हम लोग को हमेशा खलती रहेगी। उनके पद का कोई नेता नहीं है। हम लोग के आदर्श थे, पूजनीय थे, उनको ही आदर्श मान करके हम लोग कांग्रेस पार्टी सदस्यता लिए हैं। उनके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे चौधरी साहब गरीबों की आवाज़ उठाते थे, आजकल यह कम देखा जा रहा है। गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? गरीबों की आवाज़ उठाते थे, मजलूमों की आवाज़ उठाते थे, किसानों की आवाज़ उठाते थे। बलिया के दबे कुचले बेजुबानों की जुबान थे चौधरी साहब। और आज की जो राजनीति है, आज का जो परिवेश है, हमको लगता है कि उस तरह का माहौल राजनीतिक दलों के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं है। आपको याद होगा चौधरी साहब और स्वर्गीय माननीय चंद्रशेखर जी आमने सामने चुनाव लड़ते थे, वैचारिक मतभेद थे, लेकिन दोनों लोग चुनाव के बाद बलिया के तरक्की के लिए, विकास के लिए, एकता के लिए काम करते थे। उस तरह के मिसाल उन लोगों ने पेश किया है, आज इस तरह का अभाव हम लोग चल रहा है। सर, वर्तमान सरकार में विकास की क्या दर है और रोजगार की क्या स्थिति है? आपको तो पता ही है विकास के बारे में, रोजगार के बारे में हर लोग जानते हैं। बताना क्या है उसके बारे में? नौजवान बेरोजगार होकर घूम रहा है, किसान भुखमरी के कगार पर है, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली की महंगाई देख ही रहे हैं। दिल्ली जैसा राज्य जो है, जो पूरे राज्य का दर्जा भी नहीं है, वो अपने यहाँ दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया है। यहाँ बिजली का बिल दिन रात चौगुना बढ़ ही रहा है। सर, जैसे NCR के बाद ये आया, उसके बाद से NPR आ गया, तो इससे आप सहमत हैं सर? ये जो मुद्दे हैं देश में, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आतंकवाद है, इससे ध्यान हटाने के लिए सब माननीय मोदी जी कर रहे हैं। जो लखनऊ में प्रियंका गांधी के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, उस पे आप क्या कहेंगे? व्यवहार में दुर्व्यवहार किया गया। माननीय प्रियंका जी कई थी, एक पूरे IPS रिटायर DG थे, वो अपने घर से एक पोस्ट जारी किए थे। ये पोस्ट में कहे थे कि भाई हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, गांधी के विचारों को मानते हुए अहिंसा की तरह अहिंसक बनकर के आप लोग प्रदर्शन करिए, इसी तरह का कोई उत्पात दंगा फसाद मत करिए। उसके बाद भी लखनऊ की पुलिस उनको घर से उठा के ले जाकर सलाह डालने का काम करती है। माननीय प्रियंका जी ने आपका 144 धारा का पालन करते हुए अकेले मिलने जा रही थी, और वहाँ की पुलिस ने बर्बरता और कायरता और निर्दयता सब हदें पार कर दिया।
आपके स्वास्थ्य बधाई के रूप में क्या देना चाहेंगे सर? क्योंकि आज 2019 समाप्त हो रहा है, कल से 2020 की शुरुआत हो जाएगी और इस अवसर पर आज आखिरी दिन साल के 19 के आखिरी दिन स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। तो आने वाले नए साल पर आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा, इस तरह मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री जगन्नाथ चौधरी गरीबों के मसीहात है, उनके मार्गदर्शन को देखते हुए, मैं उनकी अच्छाई को देखते हुए मैं भी गरीबों का कार्य करूंगा। मैं नए बस की शुभकामनाएँ पूरे क्षेत्रवासियों को करता हूं, जनपदवासियों को करता हूं। मैं अपने तरफ से मेरे अपने स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी की पुण्यतिथि पे मैं यही चाहूंगा कि मेरा परिवार एकजुट होकर के एक संदेश के रूप में पूरे जनपदवासियों को दे कि हम लोग देख। धन्यवाद सर। आज स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी की विश्व पुण्यतिथि मनाई गई, यह पुण्यतिथि मनाने का उद्देश्य क्या है? अपने पिता के स्मृति को याद करना, और जब पुण्यतिथि मनाई जाती है या जन्मदिन किसी का मनाया जाता है तो उनके गुण जो होती है उसको प्रकट किया जाता है, और प्रकट करने के बाद जो इच्छुक होते हैं उसका अनुकरण करते हैं, और वो अनुकरण करके समाज में विकास करने की बात है। सर, जैसे स्वर्गीय जगन्नाथ चौधरी जी के नाम पे एक लेबल लगा हुआ है कि वह गरीबों और किसानों के नेता थे, क्षेत्र में इस तरह का नेतृत्व करने वाले की वर्तमान समय में कमी है, इसकी भरपाई किस तरह से होगी सर? क्या लग रहा है आपको? कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हर आदमी अपने लोगों के लिए, गरीब के लिए, कमजोर के लिए, बीमार के लिए जो मदद किया है, मैंने भाषण में बोला है, यदि आप सुने होंगे तो समझे होंगे कि हर आदमी को करना चाहिए, और जो इसमें मेहनत करेगा, काम करेगा, गरीबों के बीच में रहेगा, उनके विकास के बारे में सोचेगा, उसको सम्मान मिलेगा, वो आगे बढ़ेगा। सर, जैसे इस पुण्यतिथि के माध्यम से आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज में अपने से कमजोर आदमी का विकास करें, गरीबों की मदद करें, बीमार की मदद करें, जो परेशान हैं उनकी मदद करें, ताकि जनता आपको सम्मान दे, आगे बढ़ाए, वही बढ़ता आगे बढ़ता है जो गरीब कमजोर से जुड़ा हुआ है। अजगर निकलने से मचा हड़कंप। जी हां, राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज ब्लॉक बेली कला में लगातार 5 दिनों से निकल रहे अजगर ने गांव में मचाया हड़कंप। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि गांव में लगातार 5 दिनों से अजगर निकलने की सूचना वन विभाग को दी जा रही थी, लेकिन वन विभाग का कोई कर्मचारी गाँव नहीं आया, जिसे गाँव वालों ने सीधा आरोप वन विभाग पर लगाया। ग्रामीणों ने खुद जान जोखिम में डालकर अजगर को कब्जे में लिया। लखनऊ के गोसाईगंज से हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। नाम है आपका? त्रिवेणी शुक्ला। ये बताइए, ये जो आपने अभी अजगर पकड़ने का कार्य किया है, ये आपको कोई सूचना मिली थी कि आप अपने मन से आए? नहीं, इस तरह से जा रहे थे, भीड़ लगी थी। अच्छा, तो हमने देखा कि यहाँ क्या हो गया, फोटो आ रहा है, तो यहाँ अजगर था। अजगर? हाँ, तो उसको हमने बोरी में भर दिया। तो आपका कोई तजुर्बा था या फिर आपने ऐसे ही पकड़ लिया? नहीं, तजुर्बा है, है। अच्छा। हाँ, इसलिए कि हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। अच्छा, क्या मानते हैं, वन विभाग की लापरवाही मानते हैं? 3 दिन से लगातार निकल रहा है, सूचना दी गई, अगर वो लोग आए नहीं। आए नहीं, सूचना दी गई। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शंकर। ये वन विभाग वाले नहीं आ, क्या मानते हैं आप? हम हमारे गांव में ये सब जो था, इन वन विभाग वाले में कमी है, ये कमी की वजह से नहीं आए। अगर कोई घटना घट जाती इसका जिम्मेदार कौन होता? वन विभाग वाले की बात होता, वन विभाग इसका जिम्मेदार होता। अच्छा, दहशत है इस निकलने के गांव में? दहशत है, किसी के काट लेगा तो बच्चा नहीं जिएगा, देह में पानी बन जाएगा। अच्छा, तो क्या मानते हैं आप? हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करेंगे? कहाँ कार्रवाई करेंगे? हम सीधा करेंगे कार्रवाई लखनऊ कार्यालय। चलिए ठीक है, ठीक है। कुछ खास खबर, कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार हमारे फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।